हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्री लाइफ। सो गाइस, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस लेक्चर से आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए यहाँ पे बुक नेम लिखा गया है, ठीक है, ये वाला रो में, और ये वाला रो में उनके राइटर नेम लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए वन स्ट्रो रिवेल्युएशन, इनके जो राइटर नेम है वो फुकुओवा है, और एग्जाम में कभी कभी फुकुओ का नाम भी दे देता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। और सेकंड नंबर में है दोस्तों एन एग्रीकल्चर टेक्सामेंट, टेक्सामेंट है ना, ये ट्रीटमेंट नहीं है, टेक्सामेंट। ठीक है, इनके जो राइटर नेम है एल्बर्ट हावर्ड जी है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहा जाता है। थर्ड नंबर में है लुक टू लैंड, ठीक है, इनके जो राइटर नेम है नॉर्थबोर्न है, इन्होंने टर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर दिया था। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग फादर नेम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्रोनॉमी के फादर किसे कहा जाता है, पीटर डिक्रे सेंजी को कहा जाता है। ठीक है, और गोल्डन राइस के फादर इंगो पोट्रिकस है। ठीक है, गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और विटामिन ए का प्रीकर्षक कौन है, बीटा कैरोटीन है। ठीक है, गोल्डन राइस में अलग अलग चीजों का जीन डाला गया है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जीन डाला गया है। पहला है बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा है डेफोडिल, ये एक फ्लावर है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद थर्ड नंबर में आ जाता है हाइब्रिड राइस, इनके जो फादर है वाई एल पिंग है। ठीक है, ये वर्ल्ड में है। ठीक है, और इंडिया में कहा जाए कि हाइब्रिड राइस के फादर कौन है, तो ये सिद्दीकी आएंगे। ठीक है, और चौथा नंबर है हाइब्रिड कॉटन, इनके जो फादर है सीटी पटेल है इंडिया के। ठीक है, और इन्होंने H4 नामक वेराइटी रिलीज किया था हाइब्रिड कॉटन के। फिफ्थ नंबर में क्या है, सुपर राइस, इनके जो फादर हैं जीएस खूस हैं। फिर सिक्स नंबर में है बीटी कॉटन, इनके जो फादर हैं सीडी मैक, इंडिया के हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले में पढ़ेंगे पीजन पी, इनका जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है ICPH8, ये RHO में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो ICPH8 वेराइटी है इसको इक्रीसेट हैदराबाद ने रिलीज किया था। इक्रीसेट का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। सेकंड नंबर में आ जाते हैं बाजरा, इसका जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है वो HB1 है। थर्ड नंबर में है सोरघम, इसका जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है वो CSH1 है, इसका कोऑर्डिनेटेड सोरघम हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेटेड किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टाइम जो है मैच क्रॉप में यूज किया गया था, बनाया गया था हाइब्रिड वेराइटी। ठीक है, और ये 1957 में किया गया था। ठीक है, और चौथा नंबर में है सनफ्लावर, इसका जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है BSH1। ठीक है, और छठवां नंबर में है कस्टर्ड, इसका जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है GCH, गुजरात कस्टर्ड हाइब्रिड 3। ठीक है, एक कस्टर्ड का जो कौन सा फैमिली का है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आता ही है। देखिए ये जो है कस्टर्ड का यूफेरबियेसी फैमिली का प्लांट है, इसको याद रखना। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है। और सिक्स नंबर में है टोबेको, GTH1, ये जो है टोबेको का फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है। इसके बाद आ जाते हैं गाइस स्यूडो सीरियल। ठीक है, देखिए स्यूडो का मीन्स होता है झूठा। ठीक है, और सीरियल का मीन्स होता है अनाज, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, झूठा अनाज। तो इसके अंतर्गत मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आते हैं उसको। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में है बकव्हीट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको दिखा दिया हूँ।
इसका जो बोटनिकल नेम है फेगोपायरोन एस्कुलेंटम, और ये पॉलिगोनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, और इनका एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है जिसका नाम है टोकियो। ठीक है, सेकंड नंबर में आता है क्विनोआ, और थर्ड में आता है ग्रैन एमेरेंथस। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आर वाला ऑप्शन में क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेज और वीडियो मिलता रहता है।